Hello students, welcome again in our class English by H.D. Swami. Dear students, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th English NCERT सिलेबस से फ्लेमिंगो बुक से पोइट्री सेक्शन में पोइम 3rd कीपिंग क्वाइट. आज इस पोइम का हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे. इस पोइम का फर्स्ट और सेकेंड स्टेंजा हम पढ़ चुके हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी हिट करें और उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, जिससे आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट भी ओपन कर सकते हैं जिसमें आपकी क्लास के काफ़ी वीडियोज़ हैं, उसे आप ओपन करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. पॉइंट 3rd कीपिंग क्वाइट. कीपिंग क्वाइट इस टाइटल का मतलब है शांत रहना. पेब्लो नेरुडा ने इस पोइम को कंपोज किया है और आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं. इस पोइम के फर्स्ट पार्ट में हमने इस पोइम के फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा को पढ़ा था. इसमें पोइट हमें बताते हैं, इसमें पोइट हमें अपने स्वयं के बारे में आत्मविश्लेषण करने के बारे में बताते हैं. इसमें पोइट कहते हैं कि हम इस जिंदगी की भाग दौड़ में, इस भागम भाग में भाग रहे हैं, इसमें एक बार हम रुक जाएँ. और वो कहते हैं कि हम सभी 12 तक गिनें, 12 तक गिनें और तब तक हम सभी शांत रहें, बिल्कुल स्थिर रहें, बिल्कुल भी नहीं हिलें. और उस दौरान हमें हमारे स्वयं का मूल्यांकन करना है, आत्मचिंतन करना, आत्मनिरीक्षण करना है, हमारा खुद का आत्मविश्लेषण करना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य सही कर रहे हैं क्या, हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो दिशा सही है क्या, हम रॉन्ग पाथ पे जा रहे हैं या राइट पाथ पे जा रहे हैं, इसका भी हमें ध्यान करना है. इसलिए हम जो क्रियाकलाप कर रहे हैं जिंदगी में उसे एक बार रोक दें और थोड़ी देर के लिए हम अपने लिए, स्वयं के लिए सोचें, खुद के बारे में सोचें और स्वयं को समझें, ऐसा उन्होंने इस पोइम में फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा में बताया है. आइए देखते हैं अब अगले स्टेंजा में पॉइंट क्या कहते हैं. देखिए स्टेंजा 3rd. वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी. Life is what it is about. I want not truck with death. देखिए what I want should not be confused. What का यहाँ मतलब है जो. I want मैं चाहता हूँ. Should not be confused उससे आपको भ्रमित नहीं होना है, उससे आपको confused नहीं होना है. तो want होता है चाहना, confused यानी भ्रमित होना. Confused का मतलब होता है भ्रमित होना. पॉइंट हमें यह कहते हैं कि आई वॉन्ट, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, कि जो मैं चाहता हूँ उससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, उससे आपको भ्रमित नहीं होना है. कभी हमसे ये चाहते हैं कि हम जिंदगी की जो भागम भाग है, जिंदगी की जो भागदौड़ है, उससे एक बार हमें विराम लेना है, हमें रुकना है और अपने बारे में सोचना है. आगे देखिए विथ टोटल इनएक्टिविटी. पॉइंट यह कहते हैं कि मैं जो चाहता हूँ उसे आप टोटल इनएक्टिविटी मत समझना, पूर्ण निष्क्रियता नहीं समझना है. टोटल इनएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, पूर्ण निष्क्रियता. इनएक्टिविटी यानी निष्क्रियता, निष्क्रियता. टोटल यानी पूर्ण. कवि कहता है कि मैं जो आपको रुकने के लिए बोल रहा हूँ कि हम 12 तक गिने और एक बार तब तक हम रुक जाएं, एकदम शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, बिल्कुल भी हमें कुछ क्रियाकलाप नहीं करना है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना. मेरा मतलब संपूर्ण निष्क्रियता से नहीं है, मैं बिल्कुल आपको निष्क्रिय नहीं करना चाहता. कभी तो ये चाहते हैं कि एक बार जो आप भाग भाग में आप बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो एक बार आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपका खुद का मूल्यांकन कीजिए, स्व मूल्यांकन कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए आपका कि आप किस दिशा में जा रहे हो. गलत दिशा में तो कहीं नहीं जा रहे हो. तो कवि का कहना है कि वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, कि जो मैं चाहता हूँ उसे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है. विथ टोटल इनएक्टिविटी, कि मैं विथ टोटल इनएक्टिविटी मतलब पूर्ण निष्क्रियता, इसे आप पूर्ण निष्क्रियता मत समझना कि मैं आपको एकदम से ही निष्क्रिय बना दूं. लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट. लाइफ इज वॉट, जीवन जो है, इट इज अबाउट, जीवन तो जो है वही रहना है. मतलब जिंदगी है वो चलायमान रहनी है, जिंदगी कभी रुकती नहीं है, जीवन कभी रुकता नहीं है, जो चलती है उसी का नाम ही जिंदगी है.
तो कवि का यह कहना है कि मैं जो कह रहा हूं उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेरा मतलब टोटल इनएक्टिविटी से नहीं है, कि पूर्ण निष्क्रियता से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं आपको पूर्ण रूप से रोकना नहीं चाहता, मैं तो केवल आपको थोड़ा सा विराम देना चाहता हूँ आपकी इस जिंदगी की भाग भाग में, इस जिंदगी की भाग दौड़ में, ताकि आप अपने बारे में सोच सकें, अपने आप को स्वयं को समझ सकें। आगे देखिए, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। पॉइंट यहाँ कहते हैं आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। नो ट्रक विथ का मतलब होता है संबंध होना, मेरा इससे कोई संबंध नहीं, किससे, डेथ से, मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं है। यहाँ पोइट ने जो टोटल इनएक्टिविटी बताई है, पूर्ण निष्क्रियता, उसको डेथ से, उसकी मृत्यु से तुलना की है, डेथ से तुलना की है, कि मेरा टोटल इनएक्टिविटी का मतलब डेथ से नहीं है, मृत्यु से नहीं है, मैं तो केवल आपको इस जिंदगी की भागम भाग में थोड़ा सा विराम देना चाहता हूँ, ताकि आप अपने बारे में सोच सको। नो ट्रक विथ का मतलब क्या होता है, कोई संबंध न होना, कोई संबंध न रखना। आगे देखिए, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। देखिए, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड होता है एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ना, सिंगल माइंडेड यानी एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ना, एक ही लक्ष्य की ओर। इफ यू आर नॉट सो सिंगल माइंड, कभी कहता है कि हमें केवल एक ही लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब केवल हमें हमें हमारी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाना है, हमें हमारे बारे में भी सोचना है कि हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो दिशा तो सही है क्या, कहीं हम रॉन्ग पाथ पे तो नहीं जा रहे हैं, हमारा जो पाथ है, हमारा जो रास्ता है वो राइट है ना, कहीं हम रॉन्ग पाथ पे तो नहीं जा रहे हैं, राइट पाथ पे तो जा रहे हैं ना, इसको हमें देखना है, इसका हमें पता करना है। अबाउट कीपिंग आवर लाइव मूविंग, अबाउट कीपिंग मतलब रखना, आवर लाइव मूविंग, हम तो केवल हमारे जीवन को चलायमान रख रहे हैं, केवल हम तो हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें इस एक्टिविटी में, इस क्रियाकलाप को थोड़ा सा विराम देना है, और हमें खुद के बारे में चिंतन करना है कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारे जो सराउंडिंग्स में आसपास के जो लोग हैं उन्हें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं उसके बारे में हमें स्व मूल्यांकन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, अपने खुद का आत्मविश्लेषण करना है। आगे देखिए, अबाउट कीपिंग अवर लाइव मूविंग, हमें केवल हमारे जीवन को ही आगे नहीं बढ़ाना है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, इसलिए एक बार के लिए हमें कुछ नहीं करना है, फॉर वंस एक बार के लिए कुड डू नथिंग, हम कुछ नहीं करके देख सकते हैं कि इससे हमारे जीवन में, इससे हम हमारे बारे में पता कर सकते हैं, हमारा स्वमूल्यांकन कर सकते हैं, हमारा निरीक्षण कर सकते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फॉर वंस एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए हम कुछ भी नहीं करके, एक बार हम अपने आप को विराम देके ये पता कर सकते हैं, हमारा मूल्यांकन कर सकते हैं, हमारे बारे में सोच सकते हैं। आगे देखिए, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। परहैप्स का मतलब होता है शायद, ए ह्यूज साइलेंस, ह्यूज होता है विशाल, बहुत बड़ी, साइलेंस होती है चुप्पी, कि हमारी जो एक बहुत बड़ी चुप्पी होगी, मतलब हम एक बार के लिए, कवि यहाँ पूरे संसार को विराम देने के लिए बोल रहा है कि एक बार के लिए हम सभी ठहर जाएं, सभी रुक जाएं, तो यहाँ कवि कहता है कि हमारी जो बहुत बड़ी चुप्पी होगी, शांति होगी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो इससे शायद हमारे जीवन में जो दुख भरा हुआ है उस दुख को ये शांति भंग कर सकती है, उस दुख को हटा सकती है, इंटरप्ट यानी बाधा पहुंचाना या रुकावट डालना, तो वो जो शांति है, जो ह्यूज साइलेंस है, वो हमारे जो दुख है, सैडनेस है, उस सैडनेस में रुकावट पैदा कर सकती है। अर्थात यदि हम इस जिंदगी की भागम भाग में थोड़ा सा रुक जाएं और अपने बारे में चिंतन कर लें, अपने बारे में निरीक्षण कर लें, स्व मूल्यांकन कर लें अपना, तो हमारे जीवन में जो दुख है उस दुख में ये जो साइलेंस है वो रुकावट बन सकती है, मतलब हमारे दुखों को दूर कर सकती है। आगे देखिए, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्विज एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्विज विथ डेथ। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग,
और हम उसको कभी नहीं समझ सकेंगे यदि हम जिंदगी की भागम भाग में ऐसे ही लगे रहे तो। वो जो शांति है या अपने बारे में हम खुद को कभी भी नहीं जान पाएंगे, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग हम कभी नहीं समझ पाएंगे और सेल्वेज स्वयं को, अपने आप को। अंडरस्टैंडिंग होता है समझना, और सेल्वेज होता है स्वयं को, अपने आप को, हमारे को। नेवर यानी कभी नहीं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग और सेल्वेज विथ डेथ, और हम जो स्वयं को मृत्यु के खतरे में डाल रहे हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग और सेल्वेज विथ डेथ, थ्रेटनिंग होता है खतरे में डालना, और सेल्वेज स्वयं को विथ डेथ, इस मृत्यु के साथ हम स्वयं को खतरे में डाल रहे हैं। उस खतरे को हम कभी नहीं समझ पाएंगे यदि हम इस जिंदगी की भागम भाग में यदि थोड़ा सा विराम लेके हमने अपने बारे में, स्वयं के बारे में चिंतन नहीं किया, तो हम इस जिंदगी के, इस मृत्यु के, तो हम अपने आप को इस मृत्यु के खतरे में डाल रहे हैं और इसको हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। आगे देखिए, Perhaps the earth can teach us age when everything seems dead and later proves to be alive. देखिए, perhaps, perhaps होता है शायद, perhaps याने शायद। The earth can teach us, teach होता है सिखाना या पढ़ाना, us याने हमें, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, अर्थ याने पृथ्वी, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज वेन एवरी थिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मृत प्राय हो जाता है, एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, और वही बाद में जीवित सिद्ध हो जाता है। कैसे हो जाता है, एग्जाम्पल से बताता हूँ। प्रूव टू बी होता है सिद्ध होना, अलाइव होता है जीवित। देखिए, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज वेन एवरी थिंग सीम्स डेड, जब सभी चीजें मृत प्राय हो जाती है, तो बाद में, लेटर यानी बाद में, लेटर यानी बाद में, प्रूव टू बी अलाइव, तो वो सब चीजें हैं बाद में जीवित सिद्ध हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रकृति से हम लेते हैं, प्रकृति में जब पतझड़ ऋतु आती है, तो एक बार से पेड़ पौधों से सारे पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, और पेड़ पौधों पे बिल्कुल साइलेंस, चुप्पी छा जाती है। लेकिन थोड़े ही समय बाद में जब बसंत ऋतु आती है, तो इन पेड़ पौधों पे नई कोंपल आ जाती है, और नई नई शाखाएं हैं, उन पे पत्ते खिलने लग जाते हैं। तो वो एक बार जो पेड़ पौधे मृत प्राय लग रहे थे, वो वापस उनमें जीवन सिद्ध हो जाता है, जीवन आ जाता है। और ऐसे ही हम जब बीज को बोते हैं, तो जमीन में एकदम साइलेंस रहता है, और थोड़े ही दिनों के बाद में वो प्रस्फुटित होता है, और उसके, और वो एक बड़ा पौधा बन जाता है, और फिर वो बड़ा पेड़ बन जाता है। ऐसे वापस नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, पॉइंट हमें यहाँ वापस कहते हैं, अब आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा। काउंट यानी गिनती गिनना, अप टू 12, 12 तक। एंड यू कीप क्वाइट, और आपको बिल्कुल शांत रहना है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई भी क्रियाकलाप नहीं करना है। इस भागम भाग से आपको अपने आप को विराम देना है, इस जिंदगी की जो भागदौड़ है उससे अपने आप को विराम देना है, जिससे आप स्वयं को देख सको, स्वयं के बारे में समझ सको, अपना खुद का आत्मविश्लेषण कर सको, और आपके आसपास का जो वातावरण है उसको समझ सको, और आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनके बारे में आप जान सको, और आप किस दिशा में जा रहे हो, जो कार्य कर रहे हो सही कर रहे हो क्या, और अपने बारे में जान सको। यदि आप गलत कर रहे हो, तो आप अपना कोई सुधारात्मक कदम भी उठा सकते हो। तो इसलिए इस जीवन के भागम भाग में हमें विराम देने के लिए और अपने बारे में चिंतन करने के लिए पॉइंट हमें सुझाव देते हैं। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और फिर मैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पॉइंट कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, एंड और यू कीप क्वाइट, और आपको बिल्कुल शांत रहना है, और अपने बारे में ही चिंतन करना है, खुद का स्व मूल्यांकन करना है, आत्मविश्लेषण करना है। एंड आई विल गो, और फिर मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ ये पोएम हमारी फिनिश हो जाती है।
एक बार दोबारा देख लीजिए फटाफट. वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज. पॉइंट कहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ उससे आपको भ्रमित नहीं होना है. पॉइंट चाहते हैं कि जिंदगी की जो भागदौड़ है, जो जिंदगी की भागम भाग है, इससे हम थोड़ा सा विराम दे दें और अपने बारे में चिंतन करें. तो पॉइंट कहता है मैं जो चाहता हूँ उससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है. विथ टोटल इनएक्टिविटी, उससे आप टोटल इनएक्टिविटी मत समझ लेना, पूर्ण निष्क्रियता नहीं समझ लेना. मैं अपने आप को पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं बनाना चाहता, काम करना है आपको लेकिन मैं थोड़ा सा विराम देना चाहता हूँ. लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट. जीवन है वो तो है ही, जीवन हमेशा चलायमान होता है, तो जीवन चलेगा ही, जीवन कभी रुकेगा नहीं. आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ. मेरा मृत्यु के साथ कोई संबंध नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मृत्यु हो. मतलब यहां पूर्ण निष्क्रियता का मतलब मृत्यु से लिया गया है. आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ. मेरा मृत्यु से कोई संबंध नहीं है, मैं तो इस जीवन को चलायमान रखना चाहता हूं. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड. यदि हम एक लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़े, मतलब हम केवल हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने की नहीं सोचें, अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, केवल हम हमारे जीवन को मूव करते रहें, ऐसा नहीं करें. एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग. एक बार के लिए हम कुछ नहीं करके ऐसा देख सकते हैं. परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद हमारी जो बहुत बड़ी चुप्पी, हमारी जो शांति है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और वो साइलेंस इस दुख में रुकावट बन सके, हमारे जीवन से इन दुखों को दूर कर सके. ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्विज एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्विज विथ डेथ. और जिसको हम कभी नहीं समझ पाएंगे, नेवर कभी नहीं, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, आवर सेल्विज स्वयं, जिसको स्वयं हम कभी नहीं समझेंगे, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्विज विथ डेथ, कि हम अपने जीवन को इस मृत्यु के खतरे में डाल रहे हैं, उस खतरे को हम कभी नहीं समझ पाएंगे. उसे हम तभी समझ सकते हैं जब इस जीवन के भागदौड़ में, इस जिंदगी के भागदौड़ में हम अपने आप को थोड़ा सा विराम दे दें और खुद के बारे में आत्मचिंतन करें, स्व मूल्यांकन करें, खुद का स्व विश्लेषण करें, तब हम अपने बारे में पता कर सकते हैं कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर सकते हैं. और यदि हमारे में कोई कमियां पाई जाती है तो हम उसके लिए कोई सुधारात्मक कदम भी उठा सकते हैं. आगे देखिए. Perhaps the earth can teach us, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है. एज, क्योंकि when everything seems dead, जब सब कुछ एकदम मृत दिखाई देता है, मृत्यु के समान मृत दिखाई देता है, सीम होता है प्रतीत होना, डेड यानी मृत, प्रत्येक चीज जब मृत दिखाई देती है, एंड लेटर वो बाद में प्रूव्स टू बी अलाइव, वो बाद में जीवित सिद्ध हो जाती है. नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा. एंड यू कीप क्वाइट, और आपको बिल्कुल शांत रहना है. एंड आई विल गो, और फिर मैं चला जाऊंगा. ये हमारी पोइम यहाँ फिनिश होती है, और इसके बाद हम इस पोइम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. आई होप ये पोइम आपके समझ में आई होगी, तो आप इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें, और कमेंट भी करें. थैंक यू वेरी मच.